नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम में, जिसे हम पूरा सच के नाम से जानते हैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। हर हफ्ते ये प्रोग्राम होता है और इसमें हम वो सच बताते हैं जो आम तौर पे सत्ता के लोग नहीं बताते। इस बार एक अजीब घटना हुई है जिसको आप सब लोगों ने देखा, और देखा ही नहीं मुतवातिर हफ्तों देखा, रोज देखा, हर घंटे देखा, और मुझे लगता है कि हर सेकंड देखा। देश में चीते आए थे। कभी कभी अफसोस होता है समाज को क्या हो गया है। एक आदमी इतना कुछ ड्रामा करते हुए गवर्नेंस के नाम पे, बाकायदे वो बना हुआ है और समाज उसे खारिज नहीं कर रहा, उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा। चीते का तमाशा कितना भोंडा लगा। पहले भी जानवर आया करते थे, बहुत सारे विलुप्त होते जानवर आए हैं भारत में, आज भी तमाम विलुप्ति के कगार पे हैं। इंडियन बस्टर्ड की स्थिति आपने देखी होगी, एक जमाने में वो था, उसको फिर से बहाल किया गया, हालांकि अभी भी कमी है। लेकिन ये सब चीजें जब आप देखें तो जो सबसे बड़ी चिंता हो रही है, क्या तमाशा करके कोई गवर्नेंस में इतनी दिनों तक, इतने वर्षों तक रह सकता है और जनता को समझ में नहीं आएगा? किसको दोष दें, जनता की समझ को या इस नेता के उस स्किल को, जो कि दुनिया में अजीब स्किल है, वाकई ऐसा नेता देखा नहीं गया है। एक आठ चीते आए हैं, कौन सी चीज ऐसी हो गई है, कौन सा गरीब के पेट में रोटी जाने लगी है, कौन सा रोजगारी बढ़ गई है, लेकिन उसको एक ऐसा तमाशा बनाया गया। देखिए, हमारे जो भक्त मीडिया थी, उसने दिन रात दिखाया, कोई एक मैसेज चलाया होगा और किसी की हिम्मत नहीं कि मैसेज आ जाए तो भक्त मीडिया उसे ना करे, और जाती तौर पे भी मेरे ख्याल से उसकी सोच का लेवल इतना बढ़िया कम कर दिया गया है। हमारे जो एडिट्रांस आ रहे हैं तथा कथित, उनकी समझ इतनी कम है कि मुझे लगता है कि वो शायद अगर ऑल इंडिया कंपटीशन में चपरासी के भी बैठे, क्लास फोर एम्प्लॉय के बैठे, तो उनमें से एक भी सेलेक्ट नहीं होगा जो आज वहां शीर्ष पे बैठ रहे हैं। ये भक्त मीडिया की बात है, लेकिन अनाप शनाप उनकी तनख्वाहें हैं, और यही सिर्फ करना है। आप जरा देखिए, देश के एक बड़े चैनल ने जब चीते आ गए तो उसका एंकर कहना शुरू करता है, देखिए जैसे ही चीते आए, पहला बॉक्स खुला, मोदी जी ने चक्का घुमाया और पहला बॉक्स धीरे धीरे उठा और पहला चीता भारत की सरजमी पे सधे सधे कदमों से आगे बढ़ा। मुझे चिंता हुई कि पलट के एंकर ये ना कहे कि और चीते ने पलट के मोदी जी की तरफ देखा, बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम अपने अपने देश में आ गए हैं, विलुप्त हो गए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, ये 36-56 इंची छाती की वजह से, आप ही की वजह से हम यहाँ आए हैं। हो सकता है कि कोई भक्त चैनल ये भी आगे कहना शुरू करता। जरा सोचिए, चीता बॉक्स से निकला तो आगे ही जाएगा, लेकिन उसको हमारे एंकर ने बताया कि और धीरे धीरे चीता सधे कदमों से भारत की सरजमी पे पहला कदम रखता है, फिर दूसरा कदम रखता है, मोदी जी उसका फोटो खींचते हैं। क्या हो गया है इस गवर्नेंस को, इतना घिनौना होगा ये तो भाण नौटंकी भी इस तरह की नहीं होती है गांव में, जो ये गवर्नेंस के नाम पे हो रहा है। भाण मीडिया है, गुलाम अफसर हैं, और ये पूरा का पूरा जो तमाशा आप देख रहे हैं, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो उस गरीब आदमी का, जिसके लिए सत्ता को कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना था, कम से कम एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना था। कितने साल आपको चाहिए भाइयों बहनों? मुझे सिर्फ, आपने उनको 60 साल दिए थे, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए।
ये कैसा है 60 महीना आपका, 100 महीने दे दिए गए हैं, लेकिन जो आपने किया है वो ड्रामे के अलावा और क्या है। जन्मदिन पे ही चीता लैंड करेगा, जरा देखिए बजट, जिस दिन जन्मदिन होगा उसी दिन, और फिर हैट पहन के कैमरा लेके और मीडिया कहेगा 56 इंची की छाती चीता लेके आई है। और फिर किस तरह की आपने गरिमा इस पद की गिराई है कि भाइयों बहनों देश बदल रहा है। जरा सुनिए इस बीच उस समय की, भाइयों बहनों देश बदल रहा है। एक समय हम कबूतर छोड़ते थे, आज हम चीते छोड़ रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, कबूतर शांति का प्रतीक पूरी दुनिया में माना जाता है, नेहरू ये छोड़ा करते थे, इसमें भी आपको व्यंग नजर आया, अब हम चीते छोड़ते हैं। अरे मान्यवर, चीता हिंसक प्राणी है, क्या दिखाना चाहते हैं आप, क्या क्या मैसेज इससे क्या देना चाहते हैं? कबूतर छोड़ने वाला गलत था, बहुत ही नालायक सिस्टम था वो, और अब आप चीते छोड़ के बता रहे हैं कि देखिए साहब ये कौन सा प्रतीक था आपका। लेकिन आप ये कहेंगे और ताली बजी, ताली बजी, इस पे कोई दो राय नहीं है, सिर्फ हमारी चिंता वो ताली बजाने वालों पे, वो गुलाम मानसिकता के जो आईएएस अफसर है जो आज केचुए बन के रीढ़ विहीन होके घूम रहे हैं, चिंता उनकी है। एक और उदाहरण लीजिए, चीता प्रकरण छोड़ देते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा चीता के बारे में, हर आदमी इस समय चीता की स्पीड जानता है, हर आदमी जानता है कि शेर कितना भारी होता है, चीता कितना भारी, ये हमारे भक्त मीडिया का कमाल है। आज एक खबर और आई है कि मोदी जी अब एक प्रणाम नाम से एक योजना ला रहे हैं, और हर योजना के पहले पीएम लगता है, हमारा टीका भी लगा तो पीएम की तस्वीर से लगा, तो ये योजना भी इसका नाम है पीएम। जरा गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार है और आपको सुन के अच्छा लगेगा, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जब इसका एब्रिविएशन कीजिएगा तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव, प्रालियल ले लिया है प्रणाम, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट, प्रा न्यूट्रिएंट का ना और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट उसमें डाल दिया गया है ताकि प्रणाम पूरा हो जाए। जरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उनको सीधा ये कहना था कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर हम चाहते हैं कि ना डालें, इसको रोकें, और इसकी जगह आप वैकल्पिक न्यूट्रिएंट्स डाले प्लांट में। अब उन अफसरों को प्रणाम लाना था ताकि मोदी जी जो हमारा प्रधान सेवक है, जो चौकीदार है, वो जनता को प्रणाम कर, हर चीज में वो प्रणाम करते हैं, ये तो विनम्रता है उनकी कि वो प्रणाम करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे जिस दिन चीता छोड़ा गया उस दिन जो एक चल रहा था व्यंग, वो ये था कि दो नेता बात कर रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ये ईडी छोड़ रहे थे, आईटी के लोग छोड़ रहे थे, अब कहीं चीते तो नहीं छोड़ेंगे हमारे ऊपर, तो ये एक मजाक था। लेकिन मोदी जी प्रणाम करके करते हैं, पार्लियामेंट में भी गए थे तो उन्होंने संसद में लमलेट हुए थे, साष्टांग हुए थे, बाद में पार्लियामेंट की क्या हालत कर दी ये आपने देखा। तो मेरे ख्याल से कथनी करनी को देखने के बाद भी अगर नहीं समाज समझ पाता है तो मुझे चिंता इस बात की है कि बहुत रसातल पे चीजें चली जाएगी और तब कुछ नहीं हम कर पाएंगे। इस प्रणाम योजना में सिर्फ ये कर रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, 2.25 लाख करोड़ रुपए आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी में गए हैं, इस साल वो बढ़ने की उम्मीद है, तो इससे ऐतराज है अफसरों को कितना खर्चा हो रहा है, खर्चा तो होना चाहिए मोदी जी के एयरक्राफ्ट पे जो 6,000 करोड़ का है, ये इस पे क्यों खर्चा हो रहा है, लिहाजा उसको रोकना है। अब नाटक क्या है, हम इंपोर्ट कम करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं मंगाएंगे, नहीं, क्योंकि उसमें सब्सिडी देनी पड़ती है 2.25 लाख करोड़ की किसानों का रेट कम करने के लिए, इसको किसी तरह खत्म किया जाए। तो अब से क्या करेंगे कि ये किसानों का फर्टिलाइजर सप्लाई धीरे धीरे कम करते जाएंगे और कहेंगे तो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज करो। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर में क्या है,
गोबर है, गोबर को आप यूज कीजिए। बाकी तमाम सारे ऐसे कचड़े को आप वेस्ट प्रोडक्ट बना के, तो कभी केचुए को कहते हैं, दो तरह के इनके पास है। एक है जीरो बजट फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, JBNF, जीरो बजट। ये उन्होंने 2019 के बजट में घोषणा की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। और देश के सभी बड़े साइंटिस्ट ने कहा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने, 65 साइंटिस्ट जो टॉप के थे, जिसमें आईसीएमआर के, आईसीएआर के चेयरमैन से लेकर सारे लोग थे, भूतपूर्व, बल्कि एक चेयरमैन भी था, सबने कहा कि भगवान के लिए ये न शुरू कीजिए, इसका व्यापक प्रयोग नहीं हुआ है और अभी इस पे न जाइए। अभी आपने देखा श्रीलंका की क्या हालत हुई, केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद कर दिया, बर्बाद हो गया श्रीलंका। लेकिन ये अफसर 2.5 लाख करोड़ रोकने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए प्रणाम योजना ला रहे हैं। प्रणाम योजना में होगा ये कि केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम अब यूज करो। अब जरा सोचिए, भारत में अभी तक ये प्रयोग पूरी तरह से नहीं हुआ और अचानक आपके का प्रोडक्टिव प्रोडक्शन गिरेगा अनाज का, अगर इसको शुरू कर दिया गया। लेकिन ये मोदी जी का शौक है। तो आपने देखा किस तरह देश बर्बाद हुआ नोटबंदी से, लेकिन कोई परवाह है सत्ता ने? कभी एक बार आके माफी मांगी? माफी मांगने की फितरत नहीं, क्योंकि भगवान माफी तो मांगता नहीं है। और ये जो भाड़ मीडिया है और ये जो गुलाम नौकरशाही है, ये इन्हें भगवान बना के रहेगी हमारे भक्तों के साथ मिलके, क्योंकि भक्तों ने तो ऑलरेडी बना दिया है, अब खाली स्टैचू खड़ा करना है, जो कि हो रहा है। तो प्रणाम नाम की योजना आएगी। अब अफसरों को जरा देखिए कि इसमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग, जबकि होना चाहिए था प्रमोशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये होना चाहिए था इसका, लेकिन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इसलिए लाया गया कि पूरा प्रणाम हो जाए, वरना प्राण हो जाएगा और नहीं तो पापन हो जाएगा अगर इसको करेंगे। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट प्लांट न्यूट्रिएंट, तब ये पापन हो जाएगा। पापन थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये पाप वाप से मिलता है, इसको बदल के मुझे लगता है कि इन्होंने फिर इसको एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहा और ये नया नाम दिया गया है। और इसको उस राज्यों से कहा जा रहा कि आप जितना ही कम फर्टिलाइजर यूज करवाएंगे तो जो सब्सिडी उसकी बचेगी उसका 50% आपको दे देंगे। ये नया नाटक शुरू हुआ है अफसरों का। आप जानते हैं कि एक बार अकबर बीरबल खा रहे थे, अक्सर साथ खाते थे, तो एक बार बहुत पहले अकबर ने कहा बीरबल से कि अकबर क्या लजीज व्यंजन है ये बैगन का भरता, मुझे तो इतना अच्छा लगता है। तो अकबर ने कहा कि हुजूर मैं तो इसके बिना खाता ही नहीं, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मैं सुबह शाम खाता हूं। बात आई गई हो गई, 2-4-6 महीने बीते, फिर एक बार बैगन बना और अकबर बीरबल खाने बैठे। तो अकबर ने कहा यार बीरबल ये इतनी वाहियात सब्जी है। बोले हुजूर ये बैगन मैंने जिंदगी में इसको देख के मुझे बुखार हो जाता है, मैंने घर में बैन कर रखा है, बैगन मेरे यहाँ नहीं आता। तो बोले यार एक बात बताओ, 6 महीने पहले तुमने कहा था कि बैगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह शाम खाता हूँ। तो बोले हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, बैगन का थोड़ी। तो ये जो अफसर हैं ये हुजूर के गुलाम हैं, 56 इंची छाती के से मुतासिर है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि योजना क्या है। योजना में वो प्रयोग आना चाहिए, किसान सम्मान निधि देंगे 17 रुपया, लेकिन कहेंगे किसान सम्मान निधि, प्रणाम करेंगे, मोदी जी प्रणाम करेंगे। अब उनसे जबरदस्ती केमिकल फर्टिलाइजर हटा रहे हैं तो इसको कहा जाएगा कि प्रणाम योजना है। ये ड्रामा है आपके गवर्नेंस का। तो आपने ये देखा किस तरह से ये सिलसिला चला। आज एक अफसर ने, जो कि उनके यहाँ पीएमओ का बड़ा अफसर था कद्दावल, आजकल राम जन्मभूमि का वो देख रहा है मंदिर निर्माण उसके ट्रस्ट में, उसने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें मोदी जी को बस भगवान नहीं बताया, सब कुछ कह दिया है। गांधी से तुलना की और बताया कि 100 साल पहले गांधी जी भारत की धरती पे आए थे, जब आंदोलन शुरू किया था। दरअसल वो 2014 एक्चुअली चंपारण आंदोलन से अगर वो कहना चाहता था अफसर, तो 2 साल की देरी है,
एक साल की देरी है, मोदी जी 2014 में नेशनल शिखर पे आए, हम 13 मान लेते हैं, लेकिन ये कहा, ये उसमें ये कहा, उसको भी तुकबंदी करनी थी। 100 साल पहले मोदी जी ने अंग्रेजों को चुनौती दी, और ऐसी चुनौती दी कि साहब अंग्रेज भाग गए। आज मोदी जी आए 100 साल बाद 2014 में, और गरीबी गुर्बत के खिलाफ जन कल्याण के लिए उन्होंने चैलेंज किया है। जरा देखिए कितना बढ़िया जक्स्टापोज करना है, दो नॉन वेरिएबल फैक्ट्स को ले आके आप एक जगह खड़ा कर देते हैं, अनरिलेटेड फैक्ट्स हैं, कहां गांधी कहां मोदी, लेकिन आपने दोनों को खड़ा करके बता दिया कि मुझे ताजुब नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद ये कहते कि वैसे गांधी यहां आ चुक गए, मोदी जी फिर आगे निकल गए, शायद जगह नहीं होगी। ये पूरा हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, किताबें चीफ मिनिस्टर से उद्घाटन करवाया जा रहा है, उस किताबों को रिलीज करवाया जा रहा है, लोगों को बहुत कुछ दिया जा रहा है पद के रूप में उनके सेवा में किताबें लिखने का, और ये एक सिलसिला है। भक्त मीडिया जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। कभी कहा जाता है कि साहब पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी गवर्नेंस की मोदी ने, तो आप इसको समझें कि मोदी कब गांधी हो गए ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारा चल रहा है। पहले भाण या चारण होते थे और वो वृंदावली गाया करते थे, वृंदावली में जबरदस्त होता था कि हमारा राजा कितना प्रतापी है, और ये सब एक्चुअली भक्ति काल से को टर्मिनस है, ये भक्ति काल और ये कहिए चारण काल, ये लगभग एक ही समय रहा है। उस समय कुलक्स राजा के रूप में आने लगे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, और खास करके राजस्थान वगैरह के इलाके में, महाराष्ट्र में, इन तमाम इलाकों में इस तरह के हुए, तो वो अपनी वीरतावली का गवाते थे। एक भूषण को आप जानते होंगे, बचपन में अगर पढ़ा होगा, भूषण मतिराम तमाम थे जो कि दरबार में रहा करते थे, और इस पे एक बार गालिब का एक शेर भी है कि गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। बड़े उससे गालिब ने ये दुख से ये बात कही कि अब तो वजीफा ख्वार हो, तो ये एक गैंग की तरह पूरा का पूरा ऑपरेट होता है, सारे लोग उसके होते हैं, सारे लोग एक साथ आते, कोई एक समारोह होता है उसमें सारे लोग इकट्ठे होंगे, और मोदी की जय ये सिलसिला शुरू होगा, और इसके रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं, कोई पद्म विभूषण पाता है, कोई पद्मश्री पाता है, और इस तरह से वो बाकी पद पा जाते हैं, ये उस रिवार्ड्स का सिलसिला। तो मुझे याद आता है कि जब भूषण ने ये लिखा था शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी एक महान वीर थे, लिहाजा भूषण की कविताएं आज भी बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने लिखा था दावा ध्रुव दंड पर चीता मृग झुंड पे, शिवाजी इस तरह से मुगल शासक के ऊपर प्रहार किए जिस तरह चीता मृग झुंड पे करता है, उस तरह प्रहार किए। फिर लास्ट में है क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शिवराज शिवाजी को कहा गया क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, वृंदावली चल रही है, यहां भी वृंदावली चल रही है, और यहाँ पे कोई ताजुब नहीं है कि हमारे राजा को इसी तरह से वृंदावली से आगे बढ़ाया जाए और चीजें हकीकत में नीचे आती जाए। जरा गौर कीजिएगा क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे दो खाने नीचे आ गए, वो दलित लड़की मर गई जो पीलीभीत में जलाई गई थी, दो दलित लड़कियों को टांग दिया गया था ठीक उसी के बगल में लखीमपुर खीरी में, लेकिन देश में सब कुछ अच्छा है। इस पे प्रधानमंत्री का चीता स्वरूप, इस पे प्रधानमंत्री की 56 इंची की छाती कभी नहीं वियोग में आती है। एक सेंटेंस आपने सुना, इन दलितों पर लगातार हो रहा है अत्याचार। अभी अभी खबर आई है कि वो पीलीभीत की लड़की 12 दिन जिंदगी के जंग लड़ते हुए और उसे घर में आके जलाया गया था,
अब वो मर गई आज। लखीमपुर खीरी के दोनों दलित लड़कियों का आपने किस्सा सुना है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आपका है, किस तरह आपने हिंदू मुसलमान किया है। लेकिन उस आईएएस अफसर के आर्टिकल में यही लिखा है कि साहब उधर गांधी ने जो कोशिश की थी वो तो अंग्रेजों से छुड़ाने की, मुक्त दिलाने की, मोदी ने गरीबों को गरीबी से निकालने की और समाज में एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। जरा सोचिए, मोदी जी एकता स्थापित कर रहे हैं, अखलाक, पहलू खां, जुनैद, तबरेज, ये सब उसके प्रतीक हैं। आज भी कहां एकता है, डिवाइडर इन चीफ कहा जाता है, टाइम मैगजीन में डिवाइडर इन चीफ कहा गया है। लेकिन इसके बाद भी हम कहते हैं कि हमारा नेता महान है, तो मुबारक हो आपको। मैं सिर्फ आपकी इस जहनियत पे रोता हूं, और तो कुछ कर नहीं सकता। कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझाएं, मुझे ऐतराज नहीं है किसी मोदी से, लेकिन ये ड्रामा बंद करके अगर इसे सही सही गवर्नेंस दिया जाए, जनता को वाकई एक शांति प्रिय सिस्टम दिया जाए, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? आप इस पे गौर करें, और अगर लगे कि ये हमारी बात सही है तो इसे विस्तार दें और इसे अन्य लोगों में भी प्रचारित प्रसारित करें। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।